Hello students, welcome to our next EVS class. Today we are going to begin with the new topic. Our today's topic is playing games. Playing games and sports are the means of recreation. After doing lots of work, our body and mind gets tired and needs to be refreshed. We enjoy to get fresh and change our mind. After watching the video, you have to make the list of things that you would like to do in your free time, like games, music, drawing, dancing, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप अपने free time में करते हो, आपको उन activities की list बनानी है after watching the video. Okay, so let's start our class with advantages of playing games. First, it helps us to improve our concentration and stamina. Games जो है वो आपको अपने एक काम पे focus करने पे और stamina means कि किसी भी काम को करने के लिए जब आपको physical and mental दोनों work require होता है उसको बोलते हैं stamina. तो उन सब को improve करने में आपको कौन helps करते हैं? Games. It is a good exercise. It makes us fit and active. It helps us to make efforts and strategy to achieve a goal. Means कि हमें अपने goal को, means कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या strategy लगानी है और कितने efforts करने हैं, वो सब किससे पता चलता है? Games से. It helps to control body weight and reduces body fat. ये body weight को, मतलब कि आपके वजन को और आपके मोटापे को कम करने में भी हेल्प करते हैं. इट हेल्प्स टू शार्पन द ब्रेन एंड डेवलप लॉजिकल थिंकिंग. ये हमारे माइंड को, हमारी जो मेंटल एक्सरसाइजेस है उनको इंक्रीज करता है एंड लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं. इट मेक्स अस एक्सपीरियंस द टेस्ट ऑफ विनिंग एंड लूजिंग. गेम्स हमें हारने और जीतने दोनों तरह के एक्सपीरियंस का टेस्ट देते हैं. इट कीप्स अवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग. हमारी बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं. इट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद अदर पर्सन एंड हेल्प्स अस टू मेक न्यू फ्रेंड्स. गेम्स हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं नए लोगों से मिलने की एंड न्यू फ्रेंड्स बनाने की. सो ये थे एडवांटेजेस ऑफ प्लेइंग गेम्स. सो इन गेम्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल गेम्स, ब्रेनी गेम्स, इंडिविजुअल गेम्स एंड टीम गेम्स. फिजिकल गेम्स आर दोज गेम्स इन विच मस्कुलर वर्क इज रिक्वायर. ब्रेनी गेम्स आर दोज गेम्स इन विच मेंटल एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड. इंडिविजुअल गेम्स, गेम्स विच आर प्लेड ऑल बाय वन सेल्फ. एंड टीम गेम्स, गेम्स विच आर नॉट प्लेड ऑल बाय द वन सेल्फ बट अ ग्रुप और टीम इज रिक्वायर्ड टू प्ले. सो लेट्स डिस्कस अबाउट फिजिकल गेम. Physical games. Physical games need extensive muscular work like hockey, football, cricket, badminton, tennis, kho-kho, judo, karate, racing, etc. Physical games में आपको बहुत सारा muscular work चाहिए होता है. और physical games के example कौन से हो सकते हैं? Hockey, football, cricket, badminton, tennis, kho-kho, judo, karate, racing. ये सब किसके example हैं? Physical games के. These games make our body strong and active. ये गेम्स हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव बनाते हैं. दीज गेम्स ऑल्सो नीड टेक्निक्स टू डिफीट द ओपोनेंट्स. इस गेम्स में भी क्या चाहिए होती है आपको? टेक्निक्स, किसको? जो आपसे अपोजिट टीम है उसको डिफीट करने के लिए, उसको हराने के लिए क्या चाहिए आपको? टेक्निक्स. सो हियर यू कैन सी खो खो क्या है? ये फिजिकल गेम. रेस, इट इज़ ऑल्सो ए फिजिकल गेम. कराटे, इट इज़ ए फिजिकल गेम. टेनिस, इट इज़ ऑल्सो ए फिजिकल गेम. सो ये सब कौन से गेम्स हैं? फिजिकल गेम्स इन विच मस्कुलर वर्क इज रिक्वायर्ड. ओके, नेक्स्ट इज ब्रेनी गेम्स और यू कैन से मेंटल गेम्स. ब्रेनी गेम्स रिक्वायर एक्सटेंसिव मेंटल एक्सरसाइजेस. मेंटल एक्सरसाइजेस इसके अंदर रिक्वायर होती है लाइक चेस, कार्ड्स,
चाइनीज चेकर, क्विजीज, रीडर्स, पजल्स एक्सेट्रा। ये सब किसके एग्जांपल है? ब्रेनी गेम्स के। दीज गेम्स डू नॉट नीड एनी फिजिकल एफर्ट्स। जो आपके मेंटल गेम्स हैं उसके अंदर कोई आपको फिजिकल वर्क रिक्वायर नहीं होता, कोई फिजिकल एफर्ट नहीं करना पड़ता। ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट चेस, चेस गेम्स में क्या होता है कि 16 जो है वो पीसेज होते हैं। ओके, एक टीम के पास 16 पीसेज होते हैं और इसके अंदर वन किंग होता है एंड वन क्वीन होती है और अदर पीसेज होते हैं जो अलग अलग होते हैं। तो सबसे जो बड़ा होता है वो कौन सा होता है? क्वीन। ओके, ये होता है चेस। चाइनीज चेकर, इट इज़ ऑल्सो ए ब्रेनी गेम। ब्रेनी, इसमें क्या होता है? जो आपके पास है वो हेक्सागन शेप का बोर्ड होता है। ओके, और इसके अंदर या तो टू प्लेयर्स हो सकते हैं या फोर या फिर सिक्स। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल भी खेल सकते हैं या फिर पार्टनर्स के साथ भी खेल सकते हैं, राइट? ये क्या होता है? चाइनीज चेकर। दिस इज पजल्स। तो आपको पता ही होगा पजल्स, पजल्स में कोई भी शेप बनानी हो सकती है आपको, वो आपको सॉल्व करनी होती है, राइट? पजल्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट फिजिकल गेम्स एंड ब्रेनी गेम्स। यहाँ पर भी आप देख सकते हो दैट फिजिकल गेम्स एंड ब्रेनी गेम्स। ये कौन सा गेम है? फिजिकल, फिजिकल, ये है आपका ब्रेनी गेम। ये भी आपका फिजिकल गेम हो गया, ये भी फिजिकल गेम हो गया एंड ये भी फिजिकल, राइट? सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इंडिविजुअल गेम्स एंड टीम गेम्स। इंडिविजुअल गेम्स, दोज गेम्स इन विच ए प्लेयर प्लेज अलोन अगेंस्ट अनदर प्लेयर आर कॉल्ड इंडिविजुअल गेम्स। वो गेम्स जिसके अंदर एक प्लेयर जो है वो दूसरी प्लेयर के अगेंस्ट जो है वो अकेला ही प्ले करता है, वो कौन सा गेम होगा? इंडिविजुअल गेम। इन सच गेम्स द पार्टिसिपेंट्स कम्पीट एज इंडिविजुअल। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी तरफ से अकेले ही जो है वो पार्टिसिपेट करती है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल गेम्स, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं? गोल्फ, चेस, बिलियार्ड्स एट्सेट्रा। सो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? आपके इंडिविजुअल गेम्स के। नेक्स्ट है टीम गेम्स, दोज गेम्स इन विच अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स प्ले अ गेम विद अनदर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स आर कॉल्ड टीम गेम्स। वो गेम्स जो एक ग्रुप के प्लेयर्स जो है वो दूसरे ग्रुप के प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलते हैं, तो इसमें क्या होती है? टीम होती है, नंबर ऑफ प्लेयर्स मोर देन वन। इन सच गेम्स द होल टीम कॉन्टेस्ट विद अनदर टीम, पूरी टीम पार्टिसिपेट करती है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ टीम गेम्स आर फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बेसबॉल। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बेसबॉल, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ टीम गेम्स। इन अ टीम गेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टीम स्पिरिट। जो टीम गेम है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? टीम स्पिरिट। इट मीन्स नॉट प्लेइंग फॉर इंडिविजुअल ग्लोरी बट फॉर द टीम एज अ होल, कि सिर्फ अपने लिए नहीं, आप पूरी टीम के लिए खेल रहे हो। द कैप्टन ऑफ अ टीम हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन फोस्टरिंग टीम स्पिरिट। और जो टीम का कैप्टन है उसका इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल होता है टीम स्पिरिट को बनाए रखने में। एंड टीम स्पिरिट इज द फीलिंग ऑफ प्राइड एंड लॉयल्टी दैट एग्जिस्ट अमंग द मेंबर्स ऑफ अ टीम एंड दैट मेक्स देम वॉन्ट देयर टू डू वेल और टू बी द बेस्ट। और वी कैन से दैट टीम स्पिरिट इज द की टू सक्सेस। सो यहाँ पर जो है वो गोल्फ खेला जा रहा है और ये गोल्फ क्या है? एक इंडिविजुअल गेम। गोल्फ इज एन इंडिविजुअल गेम। एंड यहाँ पर क्रिकेट, क्रिकेट एंड क्रिकेट इज ए टीम गेम। क्रिकेट कैसा गेम है? टीम गेम। ओके, क्रिकेट में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? 11 नंबर ऑफ प्लेयर्स। ओके,
So this was our today's topic, playing games. It was part one. In our next part, we will discuss about national games, international games, and professional players. So thanks for watching the video, and please don't forget to share and subscribe the video.